बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत सा वेडिंग एनिवर्सरी केक मैंने तैयार किया था, तो आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक है, देख रहे हैं आप के बहुत सिंपल भी है और बहुत ही ग्रेसफुल भी है। और ये कस्टमर की डिमांड पे मैंने रेडी किया था, तो उनको 2 पाउंड का केक चाहिए था, लेकिन ये 2.5 पाउंड जो है वो रेडी हो गया था। लेकिन ये बहुत ही प्यारा बना था, बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जेस की रेडी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक भी आई थी। आप बताइएगा कि आपको ये केक जो है वो कैसा लगा है, इसकी लुक कैसी लगी है। मैंने तो इसको बहुत अच्छे से रेडी किया है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। और अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन लास्ट भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें। तो यहाँ पे मैंने ये स्पॉन्ज चॉकलेट स्पॉन्ज जो है ये रेडी की थी, कस्टमर की डिमांड चॉकलेट स्पॉन्ज ही थी। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 पाउंड के हिसाब से रेडी किया था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। कोई बात नहीं है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है। तो इसको 3 लेयर्स में मैं कट कर लूँगी। 8 इंच के पैन में मैंने इसको बेक किया था और 9 इंच का मैंने यहाँ पे केक बोर्ड जो है वो ले लिया है। और इसके ऊपर मैं थोड़ी क्रीम लगाती हूँ। क्रीम लगाने के बाद मैं इसकी 1st लेयर जो है ये इसके ऊपर रख दूँगी। 1st लेयर को पहले मैं शुगर सिरप से सोक करूँगी, पानी और चीनी से जो मैंने रेडी कर लिया था सिरप। और इसके बाद इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊँगी। क्रीम जो है उसको बीट करते हुए मैंने थोड़ा इसमें कोको पाउडर ऐड किया था, तो इससे ये थोड़ी थिक भी हो गई थी, हार्ड भी हो गई थी और इसका फ्लेवर जो है वो भी चेंज हो गया था। तो गर्मी में ये होता है कि क्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होती है, तो ये है कि कोको पाउडर ऐड करने से ये थोड़ी हार्ड हो गई थी और इसकी लेयर अच्छी बन रही थी। इसके ऊपर चॉकलेट चिप जो है मैं थोड़े ऐड कर लिए थे। और इसी तरह से मैं इसकी 2nd लेयर जो है उसको भी मैं सोक करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसी तरह से उस पर भी क्रीम लगाऊँगी, चॉकलेट चिप लगाऊँगी। और फिर 3rd लेयर जो है उसको भी सॉक करने के बाद इसके ऊपर भी क्रम्स कोटिंग हम कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्रीम लगाती हूँ चॉकलेट फ्लेवर वाली जो है, और इसके बाद फिर इसकी क्रम्स कोटिंग कर लेंगे और इसको मैं फ्रिज में छोड़ दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए ताकि कोटिंग जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह का मौसम है, बहुत गर्मी है, हबस है, तो इसमें थोड़ा इसको कूल करके अगर आप डेकोरेट करें तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है और ज़्यादा अच्छा बनता है। तो क्रम्स कोटिंग के बाद केक जो है उसको 1 घंटा के लिए इस मौसम में कम से कम जो है फ्रिज में रेस्ट ज़रूर दें ताकि कोटिंग जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद इसकी जो फाइनल कोटिंग होती है, फाइनल प्लस्टर कहते हैं, कोटिंग कहते हैं, आइसिंग जो भी, तो वो करें तो फिर वो ज़्यादा इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी क्रम्स कोटिंग कर ली थी, तो मैं इसको अब फ्रिज में छोड़ूंगी 1 घंटे के लिए। और अब यहाँ पे मैंने वाइट क्रीम ले ली थी, क्रीम को बीट कर लिया था और मैं कोई भी कलर ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग में इसको भर लिया था, क्योंकि पाइपिंग बैग से अगर हम इसकी आइसिंग करते हैं, इसके ऊपर से प्लस्टर करते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो बिल्कुल बराबर सी लगती है और हमें इसको कवर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है और बहुत ही ईजली जो है ये सेट भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रैपर ले लिया और इसके साथ ही मैं इसको स्मूथ कर लेती हूँ। जहाँ से थोड़ी बहुत को क्रीम की कमी है वो मैं लगा लूँगी और हल्के हाथों स्क्रैपर से इसको मैं स्मूथ कर लूँगी। और इसी तरह ऊपर से भी इसको हम स्मूथ कर लेंगे। कस्टमर की डिमांड थी कि चॉकलेट फ्लेवर में केक हो, तो मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज जो है वो भी रेडी की और अंदर इसकी जो लेयरिंग है वो भी मैंने चॉकलेट फ्लेवर में ही कर दी, लेकिन ऊपर से इसकी वाइट क्रीम रखी है। और ये मेरा ही सजेस्ट किया हुआ डिज़ाइन था उनके लिए, एनिवर्सरी के लिए, तो उनको बहुत ही पसंद आया। तो फाइनल आइसिंग जो है वो मैंने ये कर ली थी, उसको बहुत अच्छे से कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर जो है उनको चाहिए था, जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी उनको, उनके लिए कि उनके नेम के 1st वर्ड जो हैं वो यहाँ पे सेंटर में लिखे हूँ। तो सबसे पहले मैंने उनके नेम जो हैं, उनके 1st वर्ड जो हैं, एम जो है वो वाइफ का था स्टार्ट और जेड जो है वो हस्बैंड का था, तो वो मैंने पहले लिख लिया ताकि मैंने कहा कि जब मैं इसको मज़ीद इसकी डेकोरेशन कर लूँगी तो फिर लिखने में मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पहले मैंने नेम जो है वो लिख लिए। अब इसके बाद पाइपिंग बैग जो है उसमें मैंने क्रीम भरी, तो क्योंकि मैंने रेड कलर बनाना था लेकिन रेड मेरे से प्योर बन नहीं रहा था, मैंने इसमें रेड कलर मिक्स किया तो वो लाइट सा पिंक बन गया। फिर वो मैंने पाइपिंग बैग के अंदर रेड कलर जो है वो ऐड किया, उसको अच्छे से मसला उसके पाइपिंग बैग के अंदर पूरा फैला दिया
और उसके बाद मैंने क्रीम ऐड की तो ये बहुत अच्छा सा कलर जो है ये बन गया था। तो इस तरीके से मैंने इसको अब जो फ्लावर्स वगैरह है जो वो रेडी कर रही हूँ, तो बहुत अच्छी लुक आ रही है इसकी। रेड कलर जो है वो डार्क बनाने की मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इसे क्रीम जो है वो पतली हो रही थी, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे किया कि हल्का लाइट कलर जो बना था क्रीम का वो मैंने उसके अंदर ऐड कर लिया, और जो पाइपिंग बैग है उसको मैंने पहले रेड कलर जो है डाल के उसके साथ थोड़ा उसको मसला तो वो साइडों पे लग गया, और उसके बाद जब क्रीम ऐड की मैंने तो वो अच्छा सा कलर जो है ये आ गया। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है इसकी। अब इसका नीचे बॉर्डर जो है वो भी मैं बना लूँगी इसी रेड कलर से ही। तो बहुत ही प्यारा सा ये केक रेडी हो गया है, बहुत ही सिंपल सा भी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। और ये इमरजेंसी मुझे ऑर्डर मिला था यही कि 11 बजे दिन को मुझे उन्होंने कहा था और शाम को उनको 6 बजे चाहिए था। हालांकि ये होता है कि पहले अगर एक दिन पहले कंफर्म हो तो स्पॉन्ज वगैरह पहले रेडी कर लें तो इजी हो जाता है, लेकिन मैंने फिर इसको तकरीबन 12 बजे बनाना स्टार्ट किया, स्पॉन्ज बना के फ्रिज में छोड़ा और उसके बाद फिर मैंने इसको फाइनल आइसिंग जो करके 6 बजे मैंने केक जो है वो रेडी कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा बना था, कस्टमर को पसंद भी बहुत ही आया था। आप बताइएगा कि आपको ये मेरा केक बना हुआ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक इजली पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।